हेलो गाइस, तो फिर कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं के लोग्स और मैं हूं आपका दोस्त आदित्य। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कच्छ सीरीज की एक और मजेदार वीडियो। तो आज हम जाने वाले हैं डोसा महादेव, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। हेलो गाइस, तो फिर हम निकल चुके हैं। भूज से तकरीबन 18 किलोमीटर के अंतर पड़ता है डोसा महादेव। वैसे तो उसका नाम रामेश्वर है, मगर लोग उसको डोसा महादेव के नाम से जानते हैं। ये मकनपर नाम के गांव में स्थित है। तो फिर आप लोगों ने जिस रास्ते में देखा होगा हम पहुंच चुके हैं डोसा महादेव, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा और यहाँ पे एक मंदिर है और एक बहुत बड़ी लेक है, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा हम मुख्य द्वार से अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको इधर घोड़ा और त्रिशूल और शिव पार्वती जी की एक प्रतिमा और शिव जी की एक प्रतिमा आपको देखने मिल सकती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा हम मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं। हमने पुजारी जी से बात करी और उन्होंने कहा कि ये मंदिर की रचना करीबन 750 साल पुरानी है। बुद्ध शहर बना उससे पहले की ये रचना है और ये मंदिर राजगौर समाज द्वारा बंधवाया गया था। आप महीने के कोई भी सोमवार, शिवरात्रि या श्रावण महीने में आते हो तो आपको महाआरती का लाभ मिल सकता है। ऊपर जाते हो तो आप देख पा रहे होंगे आपको यहाँ से कितना अच्छा व्यू मिल सकता है। चलिए ऊपर चलते हैं और आप ये व्यू देख लीजिए। आपको आपको बहुत ही अच्छा लेक का व्यू और ग्रीनरी देखने मिल सकती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा हम ऊपर एक्सप्लोर कर चुके थे और नीचे आते ही आपको इधर दिखेगी इतनी बड़ी लेक और इधर से आपको इतना अच्छा व्यू आएगा कि आप यहाँ पे बहुत सारी अच्छी फोटोज या वीडियो भी बना सकते हो
और यहाँ पे बैठने के लिए ऐसे कुछ झाड़ के नीचे बनाया हुआ है। मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप जहाँ कहीं भी जाओ यहाँ पे ऐसा कूड़े ना फेंकिए, कूड़ेदान बनाया हुआ है वहाँ पे ही कूड़ा फेंकिए। और आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों के खेलने के लिए भी बनाया हुआ है। तो हम यहाँ पे आए और हमने बहुत अच्छी अच्छी फोटो खींची जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। ऐसे व्लॉग देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत जी। और कच्छ सीरीज के ऐसे एपिसोड देखने के लिए डू सब्सक्राइब। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।